गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, राम राम। जल्दी से आप सभी सेशन में आ जाइए, धुआंधार जानदार शानदार तरीके से। जैसे कि आप सभी को पता है, आपने थंबनेल में देखा होगा, इवेंट देखा होगा, कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, कौन, जो भी इम्पोर्टेंट आपके साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनका आपके भैया 11th और 12th की बुक में जिक्र है, क्लास 11th 12th, ठीक है, नीट की, आपकी CBSE की बुक में, NCERT बुक में, उन सभी साइंटिस्ट को मैं आज इस सेशन में कवर करूंगी। और ऐसा ही सेशन कल 6:30 बजे एक और होगा, जिसमें जितनी भी बायोलॉजी में आपकी एब्रीवेशन, जैसे IUCN की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, साथ में आपका जो डेट्स के क्वेश्चंस है कि भैया आपका पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, ये कब आया था, तो ऐसे क्वेश्चंस में कल 6:30 बजे कवर करूंगी। आज आपके जितने भी साइंटिस्ट का नाम आता है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या किया था, ये आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो होप आप सभी सेशन में आ गए होंगे। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, एकदम लाइव है, आप सभी को पता है क्लास एकदम लाइव है, तो एक बार आप शेयर कर दीजिएगा सेशन में, जिसलिए जो भी बच्चों को कंफ्यूजन हो मुझसे डायरेक्टली अभी पूछ सके। एक बार सेशन को जरूर शेयर करिएगा आप सभी, क्योंकि इवेंट आपका अभी बना है, ठीक है, पहले से आपको नहीं होगी इन्फॉर्मेशन इस क्लास की, तो आपके लिए जब तक आपके एग्जाम आते हैं बेटा, जब तक आपका 17 जुलाई तक एग्जाम आता है, मैं डेली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट दूंगी इस समय में, 6:30 बजे, 6:30 बजे जो भी आपके डाउट्स होंगे। जैसे मेरे पास अर्थवर्म का आया है, मैम अर्थवर्म बता दीजिए, है ना, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मैं इसी टाइम के बीच कवर करूंगी। मतलब आपके जितने शॉर्ट टॉपिक्स होंगे, जितने आपके इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी, इस टाइम में मैं कवर करूंगी। तो आज मैं टोटल सभी साइंटिस्ट के नाम कवर करने वाली हूँ, एक बार जल्दी से आ जाइए, ठीक है। एग्जाम्पल का सेशन कल एनिमल किंगडम 9:00 बजे करवा रही हूँ, 9:00 बजे कल जंतु जगत करवा रही हूँ, जिसमें एग्जाम्पल्स उसी के साथ करवाऊंगी बेटा, उसके अलग एग्जाम्पल करवाने का कोई फायदा नहीं है, 2-3 मिनट का होगा, आराम से आप क्वेश्चंस भी करना, उसमें विद एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हो, मैं जल्दी से शुरू कर रही हूँ, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, सेशन को लाइक कर देना अगर आपको क्लास पसंद आए तो, ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ मैम ने मेहनत की हमारे लिए, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आज ये जरा धुआंधार तरीके से शुरू करते हैं। पहले, सबसे पहले, कैरलस लिरानियस और कार्लिनियस, ठीक है, हिंदी में आप लिखते जाइए, यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, चिंता नहीं करनी है, सब कुछ मैं आपको बताती हुई चलूंगी। इन्होंने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्वीप नाम पद्धति दी थी, क्या दी थी, द्वीप नाम पद्धति दी थी, कैरलस लिरानियस ने, और क्या दिया था, यूज्ड सिस्टमा नेचरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, याद रखना, कैरलस लिरानियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण भी इन्होंने दिया था, 2 जगत वर्गीकरण, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इसको बोला जाता है, 2 जगत वर्गीकरण इसने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इसको बोला जाता है, वर्गीकी का जनक भी इसको बोला जाता है, लिख लेना, वर्गीकी का जनक भी इस वैज्ञानिक को बोला जाता है। आज शाम सात बजे, मतलब अभी मेरी क्लास होने के, खत्म होने के बाद ही आपकी रात बाकी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होगा। इसमें हर एक टीचर अपना बेस्ट लेके आएगा, हर एक टीचर अपने बेस्ट क्वेश्चंस लेके आएगा, जो कि भैया उसको पूरे यकीन होगा कि भैया हाँ बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा, आखिरी बार अगर वो ये क्लास देख लेते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो शाम 7 बजे सबसे पहले मेरी क्लास होगी, 7 बजे जुड़ना है उस क्लास में भी आप सभी को। अभी फिलहाल सुनिए, RH विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, लिखते चाहिए, चलिए, 5 जगत वर्गीकरण दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जॉर्जम बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है सिस्टम का, ठीक है, वर्गीकृत तंत्र का प्राकृतिक भैया आपका विश्लेषण दिया है आपके बेंथम एंड हुकर ने। अरिस्टोटल और अरस्तु, अरस्तु को भैया जनक बोला जाता है आपके, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का फादर बोलते हैं। अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट का नाम एंटन वॉन लुविनहॉक, किसका नाम है, एंटन वॉन लुविनहॉक, डिस्कवरी क्या है, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, सबसे पहला लाइव सेल डिस्क्राइब किया था, लाइव, ये ध्यान रखना,
जीवित कोशिका, कौन सी जीवित कोशिका किसकी की थी, बैक्टीरिया की थी, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। जीवाणु की जीवित कोशिका की सबसे प्रथम खोज की थी डिमित्री इवनवॉस्की ने, क्या दिया था, वायरस शब्द दिया था, क्या, विषाणु शब्द, विषाणु शब्द और वायरस शब्द किसने गढ़ा था, तो याद रखना है डिमित्री इवनवॉस्की ने गढ़ा था। नेक्स्ट, M.W. बेजरनिका 1898 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्थी प्लांट्स एंड कॉल द फ्लूड एज कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडम। भैया हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, चेक कर लेना NCERT में। इसने स्टेटमेंट में ये बोला है कि जो M.W. बेजरनिकिया था उसने ये टर्म दी थी कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडम। इसका क्या मतलब है कि भैया आपका जो टोबैको प्लांट है, तंबाकू का पौधा, उसमें विषाणु का संक्रमण होता है, तो अगर वो टोबैको का प्लांट, ठीक है, वो जो टोबैको का प्लांट है वो इन्फेक्शन कर सकता है, वो जो टोबैको का प्लांट है, तंबाकू का पौधा है, वो पौधा, ठीक है, जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, उसका साइटोप्लाज्म, उसकी बॉडी भैया किसी दूसरे प्लांट को संक्रमण कर सकती है, दूसरे प्लांट में इन्फेक्शन कर सकती है, ठीक है, और इसको कहा जाता है कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। कैसे, जब टोबैको का फ्लूड या फिर हो सकता है उसका वाटर या उसका मिनरल या कुछ भी भैया उसका पदार्थ खाने का कहाँ गया, दूसरे प्लांट में गया, या फिर पॉलिनेशन भी हुई, जब दूसरे प्लांट में गई तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा वायरस से। तो भैया कैसे फैला, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। तो इस फ्लूड में, इस तरल में क्या थे, वायरस थे, याद रखिएगा। W.M. स्टेनली ने 1935 में किया था, शोड दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, शोड दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, इसने ये बोला था कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब, जैसे आप सभी को पता है हमारी बॉडी के बाहर आप वायरस, तो भैया यहाँ पर भी हो सकता है, इस स्क्रीन पे, इस बोर्ड पे भी हो सकता है, टच करने पे भैया वायरस है यहाँ पर, लेकिन वो वायरस अभी कुछ नहीं कर रहा, वो जीवित ही नहीं है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे ये वायरस मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर सांसों के द्वारा मेरे शरीर के अंदर घुसा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, तो भैया आपके शरीर के बाहर ही इसको क्रिस्टलाइज किया, इसको क्रिस्टल में कन्वर्ट किया, आप कह सकते हो इसको क्रिस्टलाइज किया, कल्चर में ये क्रिस्टलाइज किया, और भैया ये बताया कि ये प्रोटीन का बना, ये काम किसने किया था, ये काम W.M. स्टेनली ने किया था, क्वेश्चन पूछा गया है बेटा पहले भी, W.M. स्टेनली का काम। नेक्स्ट है टी ओ डेनर डिस्कवर्ड विरोइड्स, विरोइड्स की खोज की थी, जो कि आप पढ़ते रहते हैं, विरोइड्स क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पार्टिकल होता है, उसको विरोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट है आपके रॉबर्ट ब्राउन, और इसकी डिस्कवरी आपकी न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज की थी किसने, केंद्रक की खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखना। मैथ्विस शील्डिन examined plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which form tissues of plant. तो भैया आपका मैथ्यूज शील्डिन बॉटनिस्ट था, जिसने प्लांट में बताया था कि भैया जो आपके प्लांट्स हैं वो किससे बने, वो सेल से बने, कोशिकाओं से बने हैं, याद रखना। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ प्लांट, जो कि टिश्यूज बनाते हैं प्लांट के, याद रखना, क्या बनाते हैं, टिश्यूज ऑफ प्लांट बनाते हैं, टिश्यूज ऑफ प्लांट, जो क्या बनाते हैं, पादप का उत्तक की संरचना करते हैं, मतलब आपका पूरा पादप किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, और वही जंतु में, एनिमल्स में किसने बोला था कि भैया हमारी बॉडी सेल से बनी है, थियोडोर शवान ने बोला था, याद ना, स्टडीड एनिमल सेल, जंतु कोशिका का अध्ययन किया था एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे भैया, नेक्स्ट है आपका श्वान, चलिए यहाँ पर श्वान के बारे में दे रखा है, प्रपोज हाइपोथेसिस दैट बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट, बोले कि ये जो ह्यूमन की बॉडी है ये तो सेल से बनी है और इसी सेल से बाद में टिश्यू बने और इसी टिश्यू से अंग बने हैं, अंग से अंग तंत्र बना है, ठीक है, अंग तंत्र, यह है कोशिका, यह है उत्तक, ठीक है, तो कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, तो हमारा पूरा बॉडी किससे कंपोज्ड है, कोशिका से बना है। शील्डिन एंड श्वर सेल थ्योरी दी थी, याद रखना। रुडोल्फ विरकोयर, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसका नाम आता है सेल थ्योरी में, इसने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी, इसने क्या कहा था कि जो भी नई सेल बनती है वो अपनी पुरानी सेल से बनती है, ठीक है, जो भी नई सेल की उत्पत्ति होती है वो उसकी पुरानी सेल से होती है, एवरी न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग
सेल ओमनिस सेलुलर ई सेलुले सिंगर एंड निकोलसन 1972 में क्या दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, कोशिका झिल्ली का। होप आप सभी यही याद होगा, किसने, सिंगर एंड निकोलसन है। कैमिलो गोल्गी ने क्या किया था, गोल्जी काय का, गोल्गी काय की खोज की थी, याद रखना गोल्गी काय की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, जॉर्जर पैलेडे ऑब्जर्व राइबोसोम एज अ डेंस पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो राइबोसोम की खोज की थी, ये तो बचपन में पढ़ते हैं ये सारी बातें। पैलेडे, कैमिलो गोल्गी, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। फ्लेमिंग्स गेव द नेम क्रोमैटिन टू द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, तो आपके न्यूक्लियस केंद्रक में भैया जो पदार्थ था ऐसे धागेनुमा संरचना उसका क्रोमैटिन बोला था, किसने, हमारे फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट जूलियस वॉन सैक हाइड्रोपोनिक्स दिया था, इसने क्या दिया था कि भैया प्लांट को आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में भी ग्रो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सॉइल में ग्रो करोगे, यहाँ पर पानी भर दो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे दो, सोडियम आयरन सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो मैक्रो जितने मिलीग्राम में, जितने ग्राम में भैया इस प्लांट को चाहिए वो सब इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में दे दो, हवा दे दो उसको, एक्सटीरियर डाल दो जिससे हवा आती रहे उसके पानी में, तो भैया ये जो है यहाँ पर भी प्लांट ग्रो कर सकता है, इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं जो आपके जूलियस वॉन सैक ने दी। नेक्स्ट आ जाइए, साइंटिस्ट जोसेफ प्रीस्टली, तो जोसेफ प्रीस्टली रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैन इगनहाउस ये सारे आपके फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण के वैज्ञानिक है, जोसेफ प्रीस्टली आप सभी जानते हैं, रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, हवा का क्या महत्व है भैया आपके प्लांट की ग्रोथ में, ये बताया था। जैन इगनहाउस शो दैट द सनलाइट एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस, सूरज की किरणें जरूरी है, इगनहाउस ने बताया था। जूल वॉन सैक प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रोज, ये बताया था। टी डब्ल्यू इंगलमैन डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था फोटोसिंथेसिस का। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इतने बताए थे, इतना आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है गुस्ताव और इम्विडिन, ग्लाइकोलिसिस जो हम प्रक्रिया पढ़ते हैं रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो कि सभी में होता है, हर एक सेल में हर एक कोशिका जो श्वसन करती है उन सभी में ग्लाइकोलिसिस स्टेप होते हैं, चाहे वो ऑक्सीकारक हो वायवी हो चाहे वो अवायवी हो, श्वसन क्रिया हो सभी में ग्लाइकोलिसिस होता है। नेक्स्ट देखिए आपका एफ डब्ल्यू वेंट आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम द टिप ऑफ सिलोपटाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग, आपके जो ओट्स की सीडलिंग्स होती हैं उनके टिप से क्या निकाला था, ऑक्सीजन निकाला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है बेटा, एफ डब्ल्यू वेंट से याद रखना। फिर ई कुर्सावा डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड, इसने जिब्रेलिक एसिड की खोज की थी, याद रखना किसकी, जिब्रेलिक एसिड, नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है वैज्ञानिक का। चार्ल्स डार्विन इस वैज्ञानिक का बोल रहे बेटा, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू में। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा था ये फ्रांसिस डार्विन, ऑब्जर्व द सीलोपटाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास रिस्पॉन्ड टू यूलीलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट, हुआ क्या था कि भैया ये देख रहे थे कि ये जो प्लांट था ना जब यहाँ पर हमने सनलाइट दी तो ये प्लांट इस तरीके से सन की तरफ झुक गया था, ये इनका भैया डिस्कवरी थी कि भैया आपका जो ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से भैया ये जो ग्रोथ होती है आगे ये मुड़ जाता है, इज ड्यू टू द ऑक्सीजन हार्मोन, किसकी वजह से, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से, ठीक है बेटा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपका एफ स्कूग एंड को वर्कर्स में, ऑब्जर्व दैट इंटर नोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेंस द कैलस प्रोलिफरेटेड ओनली इफ इन एडिशन टू द ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सपोर्टेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू ईस्ट अट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और डीएनए, ठीक है। एफ स्कूग और को वर्कर भी ध्यान रखिएगा, इंटर नोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस प्रोलिफरेटेड, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। मिलर तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलर आइडेंटिफाई काइनेटिन की डिस्कवरी की थी, एच एस कजन इथाइलिन काइनेटिन मतलब साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी, साइटोकाइन काइनेटिन याद नहीं है तो साइटोकाइनिन तो याद होगा, तो उसकी डिस्कवरी की थी याद रखना। तो भैया ये एफ स्कूग और को वर्कर आपका, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड लिख लेना, ई कुर्सोवा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जॉर्जर मेंडल हम सभी जानते हैं वंशागति के सिद्धांत दिए थे, क्या दिए थे, वंशागति के
सिद्धांत दिए थे, किसने? हमारे मेंडल ने, इसका नाम तो ये सब जानते हैं, हुगो दी ब्राइस, कॉल कॉरेंस और टेशमार्क। आज ही हमने दिन में ये चैप्टर किया है, तो जब हमने दिन में ये चैप्टर किया था तो क्या ये क्वेश्चन आया था? आया था। तो ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि आपके 1900 में आपके मेंडल के वर्क को किसने रीडिस्कवर किया, पुनः आपका खोजा? तो ये तीन वैज्ञानिक है, रीडिस्कवर मेंडल वर्क और रिजल्ट, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बवे, 1902 में इसका नाम आता है, वैसे 1902, जिसने सिर्फ प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के, सॉरी वंशागति गुण सूत्रों का, वंशागति सिद्धांत, गुण सूत्र का वंशागति सिद्धांत भैया ये आपका दिया था आपके सटन एंड बोवेरी ने, याद रखना इसका। थॉमस हंट मॉर्गन, इसको भैया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जनक बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, प्रयोग अनुवंशिकी का जनक लिख लेना चाहे से, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ, अगर आप देखें कि भैया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने, याद रखना, प्रयोग किया था, ठीक है, प्रयोग एक्सपेरिमेंटल, प्रयोग अनुवंशिकी का, अनुवंशिकी का, अनुवंशिकी का जनक बोला जाता है, जनक है कौन, टीएच हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। नेक्स्ट देखिए लैंगडॉन डाउन का, देखेंगे डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम डिस्क्राइब किया था फ्रेडरिक मिशर, आइडेंटिफाई ये सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था, आप सभी को पता है इसने डीएनए की डिस्कवरी की थी, हम बोलते हैं डीएनए को आइसोलेट किया था पस सेल से और डब्ल्यूबीसी सेल से और नाम दिया था न्यूक्लिन, बाद में न्यूक्लिन नाम को बदल के क्या रख दिया गया था, न्यूक्लिक अम्ल और जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और बोला था कि भैया ये एसिडिक नेचर का है, ये अम्लीय नेचर क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ध्यान रखना। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डबल हेलिकल द्विरज्जुक संरचना दी थी, द्विरज्जुक संरचना दी थी किसकी, द्विरज्जुक संरचना किसकी दी थी, आपके डीएनए की दी थी, याद रखना। इरविन चार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1, इसने बोला था जितना प्यूरीन होता है उतना ही पाइरिमिडिन होता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, और इसका जो रेशियो होगा वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये भी बोला था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये भी पूछा जाता है कि किस बैक्टीरिया के ऊपर भैया काम किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन थी और एक रफ स्ट्रेन थी, स्मूथ स्ट्रेन निमोनिया करती है, रफ स्ट्रेन कुछ नहीं करती थी, माइस जिंदा रहता था, लेकिन भैया जब हीट किल्ड और मिक्स्ड किया एस और आर स्ट्रेन को तो आपकी जो आर स्ट्रेन थी रफ वो स्मूथ में बदल गई। फिर उसने बोला कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग ऐसी चीज है जिसने आर को एस में बदल दिया, तो ये आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बोला था। उसके बाद इस चार वैज्ञानिक ने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था और बताया था कि ये डीएनए, ऑस्वर्ल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैक्लियन एमसी कार्टी, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब बायोकेमिकल, जैव रासायनिक लक्षण बताया था कि यह क्या है, एक डीएनए है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए अल्फर्ड हर्शी एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, याद रखना। अल्फर्ड हर्शी और मार्था चेज ने भैया आपका पहला प्रूफ किया था सबसे पहले कि भैया डीएनए ही हमारा अनुवंशिक पदार्थ है, किसमें किसका यूज किया था इसने, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हें, मैच द फॉलोइंग दिया जाता है टोबैको मोजाइक वायरस के साथ, तो क्या होगा, बैक्टीरियोफाज जीवाणु भोजी का प्रयोग किया था इसने, किसका यूज किया था, जीवाणु भोजी का उपयोग किया था, और बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया, और इस जीवाणु भोजी को क्या किया था, सल्फर और फास्फोरस लेवल, सल्फर S35 फास्फोरस P32 लेवल किया था, एक बार बस आइसोटोप जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए भैया वॉटसन एंड क्रिक, ये हम सभी को पता है, वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज सेमीकंस, इसने सिर्फ बोला था, याद रखना। एक तो भैया डबल हेलिकल डीएनए भी स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिकल द्विकुंडल द्विरज्जुक होता है, उसके बाद ये भी
भी बोला था कि इसकी जो रेप्लिकेशन प्रतिकृति होती है वो अर्ध प्राग्मी और अर्ध संरक्षी, सॉरी सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी है, सेमी कंजर्वेटिव है, सिर्फ बोला था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैथ्वी मिसलसन एंड फ्रैंकलिन सटाले, किसने, मैथ्वी मिसलसन एंड फ्रैंकलिन सटाले, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का, याद रखना रेप्लिकेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज कैमू जेनेटिक कोड अनुवंशिक कूट दिया था, अनुवंशिक कूट दिया था, याद रखना अनुवंशिक कूट दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर बिंद खोराना, हर गोविंद खुराना ने क्या किया था, डेवलप्ड केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर, क्या दिया था भैया आपके हरबिंद खुराना ने, तो भैया आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर्स जिसने बनाए थे यू करके, यू सी करके, और कोपॉलीमर ऐसे यू ऐसे यू सी करके इसने क्या बनाए थे, होमो और कोपॉलीमर बनाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और भैया आर्टिफिशियली इसने डेवलप केमिकल मेथड, रासायनिक प्रक्रिया बनाई थी जिसके द्वारा हमने आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया था। मार्शल निरर्बक दोनों को ही भैया नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेवलप सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, भैया सेल के अलावा भी प्रोटीन का डिस्कवरी की थी कि भैया प्रोटीन को सेल फ्री भी बना सकते हैं, और बना के दिखाया था आपके मार्शल निरर्बक ने। तो भैया हरबिंद खुराना के याद रखना कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर बनाए थे, वहीं पर आपके मार्शल निरर्बक में आपके सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसिस जैकोब, सॉरी नेक्स्ट आपका साइंटिस्ट फ्रांसिस जैकोब एंड जैकोस मोनाद द लैक ऑपेरॉन, आप सभी को पता है कि भैया जो लैक प्रचालोक का जो कॉन्सेप्ट है, किसका, लैक प्रचा लोक का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका था, जैकोब और मोनाद का, याद रखना। एलेक्स जेफरी, बार बार आपसे एक क्वेश्चन मैचिंग में आता है, एलेक्स जेफरी ने क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया दिया था, याद रखिएगा। लुईस पाश्चर लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से भैया जो जीवन था उससे भैया नई लाइफ बनी थी, इवोल्यूशन, याद रखना विकास से है ये। तो लुईस पाश्चर ने बोला था ऑपेरॉन हाल्डेन प्रपोज केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एस एल मिलर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था फॉर केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। बाकी भी मेरा आपके कुछ बच गए यहाँ पर, जैसे कि चार्ल्स डार्विन, आपका चार्ल्स डार्विन के बारे में, अल्फर्ड वॉलेस के बारे में, अर्नेस्ट हेकल, कार, ये सारे आपके इकोलॉजी के टर्म्स हो जाएंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, आप एक बार रीड कर लेना। थॉमस मेल्थस, कैरी मुनस, हार्डे वेनबर, हुगो दी ब्राइज, इवोल्यूशन, और भैया आपके पीछे के आगे स्टैनली इली लिली, आप सभी को पता है। ह्यूमन इंसुलिन, ये भी पूछा जाता है, ह्यूमन इंसुलिन, ये याद रखना, ठीक है। और ये कोहेन और बोयर से भी क्वेश्चन आ चुका है, ये रिकॉम्बिनेंट, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला पुनर्योगज डीएनए इसने बनाया था, पुनर्योगज डीएनए इसने बनाया था, याद रखना, डीएनए का संश्लेषण किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे, अहमद खान, रमेश चंद्र डागर, आपका सुंदरलाल बहुगी ने चिपकू मूवमेंट दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट स्पीसीज, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है प्रीवियस ईयर में, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट ने, पॉर इलिच रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ये भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर में करवा चुकी हूँ। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं तक थे वैज्ञानिक। अब 7 बजे वाली आपकी क्लास है जिसमें मैं आपको इवोल्यूशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, और बहुत सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ, मैं आपको बहुत सारे रिटन मटेरियल भी उसमें दूंगी फाइल में ही, ठीक है। तो जुड़िएगा आप 7 बजे, अब इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। साइंटिस्ट के नाम आज हमने सारे कवर कर लिए, क्लास 11th के भी और 12th के, एक नहीं बचा है बेटा, एक भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो जो हमने छोड़ा हो, सारे हैं इसमें। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, नीट JEE क्लासेस बाय एग्जाम पर टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और कल भी 6:30 बजे मैं आपका डेट्स और एब्रीवेशन की क्लास लेके आ रही हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करती हूँ, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी हिंदी में भी, पर उसके थोड़ा सा आप मुझे समय देंगे, ठीक है बेटा, लेकिन हिंदी में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। 7 बजे आपकी क्लास है, जल्दी से जल्दी वहां पर आप सभी ज्वाइन कीजिएगा।